डिविजन्स होते हैं, है ना, जो हमारे ताल में होते हैं। जैसे हमारे ताल के डिविजन्स हैं, भाई तीन तीन का जा रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। अलंकार में जा रहा है सा रे ग रे ग म ग म प म प ध, है कि नहीं? ये सेम डिविजन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और मैंने गाने में भी बताया कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे, भला गमों से। जवाब कि ताल क्या होती है, बेसिकली मेजरमेंट के लिए तोला जाता है, तराजू होता है, तराजू क्या करता है, तौलता है किसी चीज को। तो ताल शब्द जो है तौल शब्द से बना है। तो तराजू क्या करती है, एक तरफ वजन रखेगी, निश्चित वजन, फिक्स्ड वजन रखेगी, और दूसरी साइड उसको बैलेंस करने के लिए सामान। सीधी सी बात, यही काम ताल जो है संगीत में करती है। एक निश्चित मात्राओं का समूह है ना, आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा इस तरह से कि निश्चित मात्राओं का समूह जिसका एक निश्चित खंड हो, खंड यानी विभाजन, डिविजन। तो निश्चित मात्राओं का समूह है, आठ है तो आठ ही चलेगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, रिदम साइकिल आप उसे अंग्रेजी में कह सकते हैं, है ना, वो बीट साइकिल कह सकते हो उसको, है ना, उसकी साइकिल है। यानी वो जैसे 1 to 60 हमारा सेकंड चलता है, 1 to 60 और वापस 1 to 60 वो चलता रहता है घड़ी में, तो उसी तरह से ताल में भी यही होता है, जितनी भी मात्राएं होंगी वो साइकिल में चलेंगी। आवर्तन, बिल्कुल, आवर्तन भी कहते हैं उसे, ऑसिलेशन, आवृत्ति, आवृत्ति मतलब दोहराना उसे, ऑसिलेशन अंग्रेजी में उसे कहेंगे, ठीक है। तो ताल मतलब निश्चित मात्राओं का समूह जिसका निश्चित खंड कौमा विभाजन होता है। निश्चित यानी तय है उसकी, वो उसकी मात्राएं तय है, वो आठ है तो आठ ही रहेगी, और विभाजन यानी उसका डिविजन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये आपने देखा इसका दो विभाजन हो गया, दो में डिवाइड हो गई है, चार इधर गई चार इधर गई, तो निश्चित विभाजन हुआ, निश्चित मात्राएं हुई, ठीक है। तो निश्चित मात्राएं व निश्चित खंड है उसे ताल कहते हैं, है ना, और ये क्या करेगा, तौलने का काम करेगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि आपको 2 मिनट तक बोलना है, तो ये 2 मिनट क्या हो गया, मेजरमेंट यूनिट है। मैं आपको कहता हूं 2 किलो आलू लेके आना है, तो 2 किलो क्या हुआ, मेजरमेंट यूनिट है। मेजरमेंट यूनिट यानी तौलने की मात्रा, कि किस में तौलोगे, वो इकाई, ठीक है, तौलने की जो इकाई है उसे कहते हैं मेजरमेंट यूनिट। उसी तरह से संगीत में ये गाना कितनी मात्राओं में है, ये 8 मात्राओं में है। ये गाने की रिदम कितनी मात्राओं की है, 6 मात्रा की है, है ना। जैसे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, इसकी ताल क्या है, यानी ये कितनी मात्राओं में विभाजन है इसका, कितनी मात्राओं में चल रहा है, मीटर क्या है इसका, मीटर भी कहते हैं अक्सर उसे, है ना। तो ये दादरा में है, 6 मात्रा में जा रहा है, जय गणेश एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, है ना। ये धीरे धीरे आपको पहचान में आ जाएंगी, तालें कैसे पहचानी जाती हैं, ठीक है। ये ताल की परिभाषा हो गई। अब इनकी जातियां अलग अलग हो जाती हैं, जैसे इनका विभाजन मैंने बताया कि विभाजन जो है वो तय करता है कि ताल की जाति क्या है, उसका नंबर और उसका विभाजन, ठीक है। ताल की जातियों के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, इतना मालूम होगा कि रागों में जातियां होती हैं, संपूर्ण, शाड़व, औड़व, है ना, ये आपने सुना होगा। लेकिन ताल की भी जातियां होती हैं, क्या इतना मालूम है? देखिए, औड़व, शाड़व, संपूर्ण, ये आपने रागों में जाना है। औड़व क्या होता है, औड़व मतलब 5 राग, राग होती है कोई, उसमें 5 अगर सुरों का इस्तेमाल है, जैसे सारे गा पैदा, एक दो तीन चार पाँच, साधा पगरे धसा। अब इसमें आपने देखा म और नी मैंने छोड़ दिया था, तो ये औड़व हो गई 5 सुरों का, सा ग म नी द म ब द ग म रे सा। या फिर इसे दूसरे ही तरह से अगर लेके जाऊं मैं, तो सा नी रे ग म द नी नी द म ग रे ध रे सा, ये राग मारवा जा रही है,
धनी रे ग म ग रे सा, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सातवां सुर तो सा ही था और सा रे ग म द नी, तो मैंने क्या छोड़ा इसमें, सा रे ग म प ध नी, तो बस इसमें से बताइए कि आपने छोड़ा कौन सा। सा रे ग म द नी प छोड़ा। हाँ मैं राग की बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राग आपको आनी चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कंसंट्रेशन से सुनोगे तो सुर मालूम चलेगा कि कौन सा छोड़ा कौन सा रखा। ठीक है, तो पांच सुर हमारे गए तो औड़व हो गई, छह सुर गए तो शाड़व हो गई जैसा कि अभी मैंने गा के बताया, और अगर सातों सुर हो जाएंगे तो संपूर्ण, जैसे सा रे ग म रे ग रे सा रे ग म प द प सा रे ग म प द नी सा। सातों सुर लगे, कोई छोड़ा थोड़ी मैंने, सा रे ग म प द नी सा। ठीक है, तो जिस प्रकार से सुरों के नंबर सुरों के गिनती से बनती है राग की जातियां, उसी तरह से ताल में मात्राओं की गिनती और उनकी बांट से बनती हैं ताल की जातियां, है ना। ताल की जाति के आगे ये चीज, ये लाइन लिख लीजिए कि तालों की मात्राएं व खंड या उनका विभाजन, तालों की मात्राएं कौमा उनका खंड व विभाजन ताल की जाति तय करती है। अगर ताल की जाति तय करनी है ना कि ये वाली ताल है इसकी कौन सी जाति है ना, तो ये देखेंगे कि उसमें कितनी मात्राएं हैं और उसका खंड और विभाजन कैसा है। दोनों चीजें जरूरी है, मात्राएं भी और विभाजन भी। जैसे कि दादरा, एक दो तीन चार पांच छह, ये इसका वजन है तीन तीन का, तो इसकी जाति होती है तिस्त्र। त छोटे ई की मात्रा, आधा स और त्र, त्र त्रिशूल वाला, इसे कहेंगे तिस्त्र। ताल की पांच जातियां होती हैं, पहले तो वो नोट कर लीजिए। जैसे कि हमने देखा राग में तीन जातियां हुई, नंबर पांच छह सात, क्योंकि मिनिमम पांच तो चाहिए राग में, इसीलिए औड़व शाड़व और संपूर्ण। उसी तरह से ताल की पांच जातियां होती हैं और इन्हीं पांच से हमें हमारा लय और ताल का लेसन शुरू करना है। और वो पांच जातियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तीन की जाति आती है, फिर आती है चार की, फिर आती है पांच की, फिर आती है सात की, फिर आती है नौ की। नंबर डाल लीजिए, पांच पॉइंट्स बनाइए, तीन पांच सात नौ, तीन चार पांच सात नौ, है ना। बीच में छह छोड़ दिया मैंने, क्यों, क्योंकि वो तीन से ही रिलेटेड है, और आठ छोड़ दिया क्यों, क्योंकि वो चार से ही रिलेटेड है, है ना। चार का ही मल्टीपल है और छह तीन का ही मल्टीपल है, तो तीन चार पांच सात और नौ। दस नहीं बोला क्योंकि दस पांच का ही मल्टीपल है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हमारी पांच जातियां होती हैं। अब ये कैसी है, सबसे पहले तीन के आगे उसका नाम लिखिए, तिस्त्र। त त छोटे ई की मात्रा, आधा स और त्र, त्र त्रिशूल वाला, तो ये हो गया तिस्त्र। फिर चतुस्त्र, ये चार की जाति का नाम है, च त त पे छोटे ऊ की मात्रा, आधा स और त्र, ये संस्कृत में तीन और चार को तिस्त्र और चतुस्त्र बोला जाता है। संस्कृत भाषा है उसमें गिनती का ये नाम है। ठीक है, तीन का हो गया तिस्त्र, चार का हो गया चतुस्त्र, फिर पांच का आता है उसके आगे आता है खंड, ये उसका नाम है, खंड जाते, ख खंबे वाला, फिर वो ण की मात्रा, ण लिखो आधा ण और ड, तो ये हो गया खंड, या फिर ख के ऊपर बिंदी भी लगा सकते हो, पर वो ण लगा दो तो वो थोड़ा शुद्ध हो जाएगा, तो ये खंड, खंड जाते हैं ये। इनके नाम जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं नाम याद करो और नाम नोट करो। फिर सात को कहते हैं मिश्र, म छोटे ई की मात्रा और श्र, श्र श्रवण वाला या श्र श्रोता वाला, जो ऐसे श्र बनता है ना, लिखना आता है वो सभी को, लिख लीजिए मिश्र। ठीक है, फिर नौ की जाति होती है संकीर्ण, स उस पर बिंदी, क बड़े ई की मात्रा, ण और ण पे रेफ की मात्रा, संकीर्ण, है ना। तो तिस्त्र चतुस्त्र खंड मिश्र और संकीर्ण, ये आपकी ताल की जातियां हो गई। तीन में आपने लिख लिया कि तीन तीन का विभाजन है, चतुस्त्र में आपने लिखा चार चार का है, उसमें दो दो का भी होता है, चार में दो चार आठ सोलह ये सब आ जाते हैं, उसके सारे मल्टीपल्स। ठीक है, फिर
फिर आती है हमारी खंड जाति। खंड जाति में पांच जहां लिखा है आपने, वहां आगे ब्रैकेट बना के लिखो 2+3 और कॉमा 3+2। इसका मतलब हुआ कि 2 और 3 की बांट जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। या तो ऐसे जाएगी या फिर 3+2 जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये हो गई हमारी खंड जाति, या तो वो 2+3 होगी या 3+2 होगी, ठीक है। फिर आते हैं मिश्र जाति पे। मिश्र जाति हमारी 3+4 हो जाएगी, 7 की जाति है तो 3+4 हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसे 3+2+2 भी कर सकते हो, कॉमा करके 3+4 भी कर सकते हो, और ये 4+3 भी होता है, ऑपोजिट इसका उल्टा भी जाता है, ठीक है। तो ये भी जानना जरूरी है कि अलग अलग खंडों में आपको कहीं भी दिख सकता है ये, और ये आपको गीतों में ही दिखेगा। जैसे जब आप सुनते हैं कि श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, तो ये 7 में जाता है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। या फिर आप जब वो गाते हैं, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, ठीक है, तो ये आपका 14 का रिदम है। 14 का रिदम आपका 7 से ही रिलेटेड, तो मिश्र में आ गया, है ना, 7, 14, 3.5, ये सारी एक ही फैमिली है। फिर आते हैं हम संकीर्ण पर। संकीर्ण होती है 9 की जाति, डिवीजन किसी भी अनुसार हो सकता है। 8 मात्राएं हैं, 8 मात्रा को 4-4 करके भी बांट सकते हो, 2-2, 2-2 करके भी तो बांट सकते हो, 2 और 6 करके भी बांट सकते हो, 5 और 3 करके भी बांट सकते हो, ये उसकी कैलकुलेशंस हैं। लेकिन यहाँ निश्चित होती हैं, इसीलिए मैंने परिभाषा में लिखाया है निश्चित, कि वो तय है कि ऐसा ही चलेगा, वो चाल जो है वो उसकी निश्चित है। गानों में वैसी ही आती है और रागों में भी वैसी ही आती है, पूरे संगीत में वही चाल चलती है, ठीक है। तो वो निश्चित हैं, इसीलिए मैं वो आपको लिखा रहा हूँ कि यही आपको आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब इनका अभ्यास करोगे तो इन्हें पहचान पाओगे, इन्हें जानोगे तो ये पहचानोगे, सीधी सी बात है। संकीर्ण जो है वो 2, 2, 2 और 3, ये उसका डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डिवीजन है उसका, है ना। और ये डिवीजन आप लोगों ने नहीं सीखा होगा, नॉर्मल डिवीजन हमने सबने सीखे हैं, दादरा, रूपक, कहरवा, झपताल, एक ताल, तीन ताल, ये हमने सीखा है। लेकिन 9 मात्रा का जो डिवीजन होता है, संकीर्ण जाति जिसे हम कहते हैं, उसका डिवीजन जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 2 और 3, ठीक है, इसे कहते हैं संकीर्ण। इसका और कोई ऑल्टरनेट नहीं है, जैसे मैंने सबका ऑल्टरनेट बताया कि भाई 3+4 भी हो सकता है, 4+3 भी हो सकता है, 3+2+2 भी हो सकता है, 2+2+3 भी हो सकता है, है ना, और 2+3 5 का हो सकता है, और 3+2 वो भी 5 हो सकता है। लेकिन संकीर्ण का एक ही है चलन, 2, 2, 2 और 3। इसे 5+4 नहीं गाया जाता है, या 3+3+3 नहीं गाते हैं। छंद भी कहते हैं इन्हें, आपने छंद अगर पढ़े हो, छंद, अलंकार, ये हिंदी में पढ़ा है किसी ने, डिविजन्स होते हैं, है ना, जो हमारे ताल में होते हैं। जैसे हमारे ताल के डिविजन्स हैं, भाई 3-3 का जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अलंकार में जा रहा है, सा रे ग रे ग म ग म प म प ध, है कि नहीं, ये सेम डिविजन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और मैंने गाने में भी बताया कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। और यही आपका उसमें जय गणेश जय गणेश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है कि नहीं। गीतों में ताल पहचानने की जो हमारी एक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा रहती है कि गानों में कैसे ताल का हमें पता चलेगा, तो उसके लिए तालों को जानना जरूरी है, जो मैं अभी बता रहा था कि जानोगे तो पहचानोगे। हाँ, वही मैंने बोला था कि इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है, है ना, ये फिक्स्ड है, निश्चित है कि यही वाला है और यही चलता है। ये शास्त्रों के अनुसार बताई मैंने सारी चीज़ें आपको, कि संगीत के जो शास्त्र हैं, जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं जिनमें लिखी गई चीज़ें हैं, वो तय कर चुकी हैं कि यही होगा। वैसे आप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज वेलकम इन म्यूजिक, है ना, आप चाहो तो उल्टा भी उसको गा सकते हो, लेकिन जहां आपको मिलेगी, ज़्यादातर मिलेंगी, तो वो इसी चाल मिलेगी,
वरना आप अगर कुछ बनाओ तो उसमें उल्टा भी कर सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि मतलब मैंने इसे उल्टा कर दिया तो गलत हो गया क्या। नहीं, इनफैक्ट आप इनके छंद भी बदल सकते हो, आप तीन 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 भी जा सकते हो, है ना। लेकिन ये नाम जो दे दिया कि संकीर्ण जाति ये होती है, तो वो यूनिवर्सल कर दिया। अब कहीं भी आप किसी से भी बोलोगे संकीर्ण जाति में, तो वो आपको यही सुनाएगा। तिस्त्र में बोलोगे तो वो तीन तीन ही सुनाएगा, वो दो 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 नहीं सुनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यूनिवर्सल करने के लिए चीज़ों को निश्चित करना, फिक्स करना जरूरी होता है, यानी सब जगह इसी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो पहचानने में वही आएगी आपको। आप चाहें तो इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन वो बदलाव आपका होगा। जब हम कोई चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन है वो तय कर दिया, पूरे देश में वही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, वही नियम चलता है। अब हमारी कुछ और मान्यता है, मान लीजिए हम कहते हैं कि नहीं मैं तो इस चीज़ को ना मान के इस चीज़ को मानूंगा, तो आप इकलौते उसे मानने वाले हुए। बदलाव कर सकते हो, पर फिर मानोगे कौन, सिर्फ आप ही मान रहे हो उसको, बाकी सारी दुनिया तो वही सारा मान रही है ना। तो यूनिवर्सल बनाने के लिए, म्यूजिक को यूनिवर्सल बनाने के लिए, वैसे तो म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्सल अगर बनना है कि यहाँ बैठे हो, कल को कोई दूसरे प्रांत का व्यक्ति जिससे आप कभी नहीं मिले हो, वो भी शास्त्रीय संगीत सीख रहा है, और आप दोनों साथ में संगत करने बैठे, आपने बोला मैं तिस्त्र जाति में कुछ सुना रही हूँ जो दो 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 की जाति है, है ना, मैंने इस तरह से उसको डिवाइड किया है, और वो व्यक्ति जो है वो तीन तीन में सीखा हुआ है, तो वो आपके साथ संगत कैसे करेगा, दिक्कत आ जाएगी ना। तो दोनों का ज्ञान समान होने के लिए, इसीलिए तो शब्दों की मीनिंग सेम रखते हैं। अगर मैंने बोला है पानी, तो पानी मतलब पीने वाला पानी, और यही अभी महेंद्र जी बोलेंगे पानी, उसका मतलब भी पीने वाला पानी, लेकिन अगर भव्या बोले पानी और उसका मतलब होता है गेंद, तो मीनिंग बदल गया ना, है कि नहीं। तो कॉन्वर्सेशन कैसे होगी, मैं बोलता हूँ पानी देना, वो मेरे को बॉल ला के दे रही, और मैं कहता हूँ गेंद देना, तो वो मेरे को पानी पिला रही, है कि नहीं। तो यूनिवर्सल करने के लिए चीज़ों को तय कर दिया जाता है, लेकिन उनमें एक्सपेरिमेंट भी संभव हैं। आप उनकी उनकी जात को बदल दीजिए, आप कह दीजिए मैं इसका डिवीजन ये रखती हूँ, और आप प्रपोज कीजिए सब सामने वाले को, प्रपोज मतलब वो वाला प्रपोज नहीं, ये वाला प्रपोज कि उनको पेश कीजिए कि हाँ ये मैंने इसमें अमेंडमेंट, संशोधन जो मैंने अभी बताया कि कुछ नई चीज़ ऐड करी है, तो आप देखिए क्या ये वैलिड है, तो लोग अपनाएंगे उसे, बिल्कुल क्यों नहीं अपनाएंगे। आप कह दीजिए कि मैं तिस्त्र को दो 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 में बांटना चाह रही हूँ, तो लेकिन उससे क्या होगा, पुरानी जितनी बन चुकी हैं तिस्त्र की चीज़ें, वो सब तीन तीन में बनी है, वो नहीं बदल पाओगे ना, आने वाली चीज़ें बदल दोगे, तो कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि नहीं। संगीत, वैसे तो संगीत हर किसी का अपना है, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अगर सब अपना अपना ही करने लग गए तो कुछ चीज़ों को निश्चित किया गया कि ये एक बेस लाइन है, इसको आधार मान के आप आगे कुछ भी बनाओ। तो ताल की जातियां हमने समझ ली कि कौन कौन सी होती हैं, उनमें कौन कौन सी तालें आती हैं, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। तीन 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 का जो छंद जाता है, इसमें ताल आती है दादरा, ठीक है। चार चार का जो छंद जाता है, इसमें आती है चतुस्त्र जात में कहरवा ताल, धागे नाती नक धिन्ना, चार चार का वजन है, और तीन ताल भी इसी में आती है, धा देन देंदा, धा देन देंदा, धा तेन तेंता, ता देन देंदा, ठीक है। कि चतुस्त्र में कौन कौन सी आई, कहरवा कहरवा, ब्रैकेट में लिख दीजिए आठ, आठ यानी आठ मात्रा की ताल है, कौमा करके लिखिए तीन ताल, तीन ताल मतलब सोलह मात्रा की ताल है ये, इसको त्रिताल भी कहा जाता है। त्रि, जैसा कि भव्या ने हमें बताया था, त्रि मतलब तीन होता है, ठीक है। तो तीन ताल भी इसी में आती है, और एक ताल वो भी इसी में आती है, एक ताल बारह मात्रा की ताल होती है, एक ताल जो बारह मात्रा की ताल होती है, इसका जो खंड है वो दो 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 का जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी खंड जाति, खंड जाति जैसा कि मैंने बताया दो तीन की है, तो इसमें कौन सी ताल आनी चाहिए भव्या, झपताल आनी चाहिए, वेरी गुड। और जयश्री जी, मिश्र जाति में कौन सी ताल आनी चाहिए, रूपक, बिल्कुल रूपक ताल आएगी, है ना, सात मात्रा की ये ताल होती है। कि मिश्र जाति में जो ताल होती है वो है रूपक ताल, जो कि सात मात्रा की है। अब यही छंद हैं, ये सारे आपको छंद ध्यान रखने होंगे कि गानों में यही लग रहे हैं। गीत अगर हमें सीखने हैं, गीत पहचानने हैं, तो गीत का बेस है ये जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है, ठीक है। फिर आते हैं संकीर्ण में, जिसमें नौ ही मात्रा होती है, और नौ मात्रा की आपने हाल फिलहाल में कोई ताल नहीं सीखी है, जो हम इन फ्यूचर जल्द सीखेंगे। और ये एक ताल में, एक ताल आपकी वही चतुस्त्र में ही है, क्योंकि दो दो का वजन जा रहा है, है ना। अब लेकिन इसमें एक खंड में दो हो रहे हैं, फिर दूसरे खंड में दो आ रहे हैं, तो चतुस्त्र कैसे हो गई, क्योंकि दो दो का वजन है, वही मैंने बताया चतुस्त्र में दो के सारे मल्टीपल्स आ जाते हैं,
दो के मल्टीपल्स में वैसे तो छह भी आता है, पर वो वाला मल्टीपल नहीं जा रहे हैं अपन, एग्जैक्ट मैथमेटिक्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, पर दो चार आठ, यानी दो का दो गुना चार, चार का दो गुना आठ, है ना, उस हिसाब से अपन जा रहे हैं, आठ का दो गुना सोलह, तो वो सब इसी में आते हैं। चतुस्त्र में चाल है वो बेसिकली, उसका खंड चार का है ये नहीं कहूंगा, पर चतुस्त्र चाल है बराबर की चाल, है कि नहीं, एक दो तीन चार पांच छह जो इक्वल जा रहा है, दो 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 का जा रहा है, उसमें एक ताल आती है। अब एक ताल अपने आप में एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, कैसे, क्योंकि वो दो जातियों में आती है, वो तिस्त्र में भी आती है और चतुस्त्र में भी आती है, क्यों, क्योंकि वो बारह मात्रा है। अब बारह मात्रा हाँ बताओ भैया, क्योंकि उसमें बारह का मल्टीपल भी तीन होता है। हाँ, थ्री इंटू फोर करोगे तब भी ट्वेल्व होता है, और फोर इंटू थ्री करोगे तब भी ट्वेल्व होता है, तो आप चाहो तो उसको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन ऐसे भी पढ़ सकते हो, तीन तीन का भी छंद जा सकता है, तो इसे हम कहेंगे तिस्त्र जाति की एक ताल। एक ताल के दो स्वरूप होते हैं, ये नोट कर लीजिए, एक होती है तिस्त्र जाति की एक ताल, एक होती है चतुस्त्र जाति की एक ताल।